नमस्कार, मैं सुदर्शन चक्रधर, चक्रयू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में चर्चित मराठा आरक्षण की। आखिर 10% मराठा आरक्षण मिलने के बावजूद इस आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल खुश क्यों नहीं हैं? ओबीसी कोटा में ही मराठाओं को आरक्षण देना कितना जायज होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का यह आरक्षण टिक पाएगा? आइए जानते हैं। आखिरकार मराठा समाज को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का बिल महाराष्ट्र विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हो ही गया। नौकरियों और शिक्षा में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के तहत 10% मराठा आरक्षण का कानून पारित होने के साथ ही महाराष्ट्र में कुल आरक्षण अब 62% हो जाएगा। लेकिन इससे मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे एक्टिविस्ट मनोज जरांगे पाटिल ने इसे मराठा समुदाय के साथ धोखा बता दिया है। उन्होंने कहा है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। इतना ही नहीं, वे 24 फरवरी से 10 बजे से 7 बजे तक रास्ता रोको आंदोलन भी करने जा रहे हैं। इसका आह्वान भी उन्होंने मराठा समाज की जनता से किया है। सवाल है कि इतना सब मिलने के बावजूद वे खुश क्यों नहीं हैं? मराठा समाज के साथ आखिर क्या धोखा हुआ है? बता दें कि आरक्षण की सिफारिश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में की थी। उसमें कहा गया कि मराठा समुदाय एक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग है और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342(a)(3) के तहत पहचाना जाना चाहिए और संविधान के अनुच्छेद 15(4), 15(5) और अनुच्छेद 16(4) के तहत इस वर्ग के लिए आरक्षण तय किया जाना चाहिए। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुनील शुक्रे ने बीते शुक्रवार को ही मराठा समुदाय के पिछड़ेपन की जांच के लिए राज्य भर में किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सौंपी थी। इस रिपोर्ट के अनुसार ही राज्य सरकार ने विधानमंडल का विशेष अधिवेशन आहूत कर सर्वसम्मति से मराठों को 10% आरक्षण दिया। चूंकि मराठा समुदाय महाराष्ट्र की कुल आबादी का 33% हिस्सा है, इसलिए इसके मुख्य आंदोलनकर्ता मनोज जरांगे पाटिल चाहते हैं कि ओबीसी कोटे से ही मराठाओं को आरक्षण दिया जाए। लेकिन इसके लिए प्रदेश के बड़े ओबीसी नेता और राज्य सरकार के काबीना मंत्री छगन भुजबल तैयार नहीं हैं। हालांकि मराठों को आरक्षण देने के लिए पूर्ववर्ती राज्य सरकारों ने पहले भी कई कोशिशें की, पर अदालतों में वह टिक नहीं पाया था, यानी उसे खारिज कर दिया गया था। लेकिन विरोध की लहर और मराठों को राजनीतिक हिस्सेदारी ने इस मुद्दे को बार बार हवा दी। अब की बार कोटा मुद्दे पर राज्य सरकार ने मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल के मद्देनज़र महत्वपूर्ण कदम उठाया। मनोज जरांगे पाटिल जालना जिले के अपने गांव अंतारावली में मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठ गए। इसके बाद सरकार ने 20 फरवरी को विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया और मराठा आरक्षण बिल पास करवा दिया। मनोज जरांगे पाटिल ने इसका स्वागत तो किया, लेकिन नाखुशी भी जताई। विधानमंडल में मराठा आरक्षण बिल पारित होने के बाद मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि सरकार ने जो आरक्षण दिया है, इससे कोटा 62% हो जाएगा और इसे सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा। उनके अनुसार इस बिल में मराठाओं की मांग को पूरा ही नहीं किया गया है। मराठा समाज को ओबीसी कोटे के तहत ही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। दरअसल राज्य में 52% आरक्षण पहले से है। अब 10% मराठा आरक्षण जुड़ने से रिजर्वेशन लिमिट 62% हो जाएगी। माना जा रहा है कि रिजर्वेशन कोटा 50% से ज़्यादा होने से इस बिल को कानूनी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2021 में मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण देने के फैसले को रद्द कर दिया था, क्योंकि रिजर्वेशन लिमिट 50% से ऊपर हो गई थी। अब देखना है किस आरक्षण का क्या होता है। आज के चक्रव्यूह में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर करेंगे चर्चा। नमस्कार।